ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं देवी विंध्यवासिनी माता के बारे में कि कौन थी देवी विंध्यवासिनी और कहाँ है उनका मुख्य शक्तिपीठ और उनसे जुड़े कुछ रहस्य के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको देवी विंध्यवासिनी माता के बारे में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी था। जब मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से अष्टम पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उसी दौरान गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। वसुदेव जी बाल कृष्ण को लेकर कारागार से निकलकर यमुना पार कर गोकुल पहुँचे और उन्होंने उसी रात को बाल कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया और वे उनकी पुत्री को उठाकर ले आए। यह कार्य भगवान की माया से हुआ। दोस्तों, गर्ग पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की माँ देवकी के सातवें गर्भ को योग माया ने ही बदलकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिससे बलराम का जन्म हुआ। बाद में योग माया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। दोस्तों, भगवान विष्णु की आज्ञा से माता योग माया ने यशोदा मैया से यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था। इसके बाद उनका नाम एकानंसा रखा गया था। कंस से बाल कृष्ण को बचाने के लिए योग माया ने जन्म लिया था। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अनुसार देवकी के आठवें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वासुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार कर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया था तथा वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी भगवान की शक्ति योग माया को चुपचाप ये मथुरा के जेल में ले आए थे। कहते हैं कि योग माया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। इनके जन्म के समय यशोदा गहरी निद्रा में थी और उन्होंने इस बालिका को देखा ही नहीं था। जब आँख खुली तो उन्होंने अपने पास पुत्र को पाया जो कि भगवान श्री कृष्ण थे। बाद में जब कंस को देवकी की आठवीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि पुत्र की जगह कन्या का जन्म कैसे हुआ। आकाशवाणी में तो देवकी के आठवें पुत्र द्वारा मेरे वध की बात कही गई थी, फिर यह पुत्री कैसे हो गई। कंस ने सोचा यह विष्णु का छल हो सकता है, इसलिए उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उन्होंने अपना दिव्य योग माया स्वरूप प्रदर्शित कर कंस से कहा, रे मूर्ख, तेरा वध करने के लिए देवकी की आठवीं संतान तो कब का जन्म ले चुका है, मुझे मारने से क्या होगा। बाद में देवताओं ने योग माया से कहा कि हे देवी, आपका इस धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका है तो अतः अब आप देव लोग चलकर हमें कृतज्ञ करें। तब देवी ने कहा, नहीं, अब मैं धरती पर ही भिन्न भिन्न रूपों में रहूंगी। जो भक्त मेरा जैसा ध्यान करेगा मैं उसे उस रूप में ही दर्शन दूंगी, अतः मेरी पहले स्थान की आप विंध्याचल में स्थापना करें। तब देवताओं ने देवी का विंध्याचल में एक शक्ति पीठ बनाकर उनकी स्तुति की और देवी वहीं विराजमान हो गई। श्रीमद् भागवत पुराण में देवी योग माया को ही विंध्यवासिनी कहा गया है, जबकि शिव पुराण में उन्हें माता सती का अंश बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है। सती होने के कारण उन्हें वन दुर्गा कहा जाता है। कहते हैं कि आदि शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है, लेकिन विंध्याचल ही एक ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्ति पीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है। दोस्तों, मान्यता के अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करने आते हैं, जहाँ संकल्प मात्र से साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण श्री दुर्गा सप्तशती की कथा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी भगवती की मातृभाव से साधना और उपासना करते हैं, तभी वे सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। श्रीमद् भागवत में उन्हें ही नंदजा देवी कहा गया है, इसलिए उनका एक और नाम कृष्णानुजा है। इसका अर्थ है कि वे भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। इस बहन ने भगवान श्री कृष्ण की जीवन भर रक्षा की थी। इन्हीं योग माया ने भगवान श्री कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चानूर और मुष्टिक आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कराया, जो कंस के प्रमुख मल्ल माने जाते थे। दोस्तों, भारत में विंध्यवासिनी देवी का चमत्कारिक मंदिर विंध्याचल की पहाड़ी श्रृंखला के मध्य मिर्जापुर उत्तर पतित पावनी गंगा के कंठ पर बसा हुआ है। प्रयाग एवं काशी के मध्य विंध्याचल नामक तीर्थ है, जहाँ माँ विंध्यवासिनी निवास करती है। यह तीर्थ भारत के उन 51 शक्ति पीठों में प्रथम और अंतिम शक्ति पीठ है जो गंगा तट पर स्थित है। यहाँ 3 किलोमीटर
के दायरे में अन्य दो प्रमुख देवियां भी विराजमान हैं। निकट के काली खोह पहाड़ी पर महाकाली तथा अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी देवी विराजमान हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसे 51 शक्तिपीठों में शामिल नहीं करते, लेकिन 108 शक्तिपीठों में इनका नाम जरूर मिलता है। तो यह थी दोस्तों जानकारी देवी विंध्यवासिनी माता के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।